से जूझ रहा है रीवा का संजय गांधी अस्पताल। वहीं दूसरी ओर स्ट्रेचर का इस्तेमाल बैलगाड़ी की तरह मरीज की जगह संजय गांधी में सामान ढोने के लिए किया जा रहा है। यह हाल है प्रदेश के सबसे बड़े अस्पतालों में से एक रीवा के संजय गांधी का। संजय गांधी अस्पताल का स्ट्रेचर मरीज के लिए या फिर बैलगाड़ी बनकर सामान ढोने के लिए, ये आपको तय करना है इस खबर को देखने के बाद। जब भी आप प्रदेश के सबसे बड़े अस्पतालों में से एक रीवा के संजय गांधी अस्पताल का रुख करेंगे, आपको किसी न किसी समस्या का सामना जरूर करना पड़ेगा या कुछ ऐसा दिखाई देगा जिसे आप नहीं देखना चाहते। आमतौर पर स्ट्रेचर की समस्या संजय गांधी अस्पताल की काफी बड़ी समस्या है, अक्सर ही दिखाई देती है। आज हम आपको ऐसा ही नजारा दिखाने जा रहे हैं। प्रदेश के सबसे बड़े अस्पतालों में से एक रीवा के संजय गांधी अस्पताल के स्ट्रेचर को बैलगाड़ी बना दिया गया। यहां पर आए दिनों सामान आता है, दवाइयां आती हैं, जरूरी उपकरण आते हैं। इनको ट्रक से उतारकर स्टोर तक पहुंचाने के लिए स्ट्रेचर का ही सहारा लिया जाता है, जबकि स्ट्रेचर मरीजों के लिए होता है। मरीजों को स्ट्रेचर नहीं मिलता, लेकिन इन सामान ढोने वालों को आसानी से स्ट्रेचर मिल जाता है। मरीज को स्ट्रेचर के लिए आधार सहित कोई न कोई पहचान पत्र जमा करना पड़ता है, उसके बाद ही उनको अस्पताल प्रबंधन का स्टाफ स्ट्रेचर उपलब्ध कराता है। वहीं दूसरे ओर खुलेआम बगैर किसी डर के चंद पैसा बचाने के लिए अस्पताल के अंदर सामान पहुंचाने के लिए ट्रक से बकायदा सामान को स्ट्रेचर में लादा जाता है। उसके बाद सामान को जहां पर भी हो भिजवाना है वहां पहुंचा दिया जाता है। यह कोई पहली बार नहीं हुआ है। आमतौर पर संजय गांधी अस्पताल की यह एक परंपरा सी बन गई है, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर भी देख पा रहे हैं। साफ तौर से दिखाई दे रहा है अस्पताल के मुख्य प्रवेश द्वार पर एक ट्रक खड़ा है। ट्रक से सामान उतारकर स्ट्रेचर में लादा जा रहा है। उसके बाद इस स्ट्रेचर को अस्पताल परिसर के अंदर ले जाया जा रहा है, जहां के लिए ये सामान लाया गया है। तो देखा आपने किस तरीके से एक स्ट्रेचर, जिस पर आम तौर से मरीज को ही लाने ले जाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और उन मरीजों के लिए जिनको डॉक्टर चलने से सख्त तरीके से मना करते हैं, वहीं दूसरी ओर इस स्ट्रेचर का इस्तेमाल सामान ढोने के लिए किया जा रहा है। जबकि संजय गांधी अस्पताल में आए दिन ही स्ट्रेचर को लेकर वाद विवाद की स्थिति निर्मित होती है। नई और ताजा तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और देखते रहिए न्यूज़ नेटवर्क टुडे।